हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मिट्टू ने भी बोल दिया। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। दीदी जो काम करती है ना, आई थी लेकर के समोसे और पता नहीं क्या था, तो बोली कि गर्म कर दीजिए, खाना है उनको, भूख लगी थी, आई थी आफ्टरनून में ही कहीं बाहर से। तो मैंने बोला उनको खाना खा लीजिए, बोली नहीं यही मैं लेके आई हूँ, यही मुझे गर्म करके दे दीजिए। तो मैं वही गर्म कर रही हूँ और गर्म करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑडी का इको बेक पेपर फॉर बेकिंग एंड कुकिंग। रीहीटेबल है ये, आप इसको ना जैसे मैंने अभी लगाया, ऐसे आप कुछ भी बनाते हैं, मोमोज वगैरह या फिर कुछ आपको गर्म करना है तो आप बना सकते हैं। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इससे आपके बर्तन जो है वो भी गंदे नहीं होंगे, तो डिस्क्रिप्शन आप सभी चेक कर लीजिएगा। और नहा लो, ठीक है, जा रही हूँ खाना लेकर के, इनका कपड़ा भी ले लिया है हॉस्पिटल। बंद कर दो सारा, आवाज़ देखते हैं क्या डॉक्टर बोलते हैं वो करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। तबीयत के ऊपर ही है, तबीयत सही रहेगी तो फिर डिस्चार्ज करना है। अभी दो दिन वीडियो में नहीं डालूंगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। ये मुझे कुछ भी होना मैं फिर भी खींच ले जाती हूँ कि नहीं मुझे ब्लॉग बनाना ही बनाना है, लेकिन इनको हुआ है ना तो इस वजह से मेरा एकदम बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। छोटे छोटे क्लिप्स लेती रहूँगी, बाद में अपलोड करूँगी। दो तीन दिन तक कोई भी वीडियो मैं नहीं कुछ भी करने वाली हूँ। चलिए, क्या हुआ मिट्टू? इसको खाना दे दिया है, सेब दे दिया है, जब कोई नहीं रहता है ना तो इसको भी अच्छा नहीं लगता। एक मिनट मिट्टू, बाय बाय। चलो ये वाला भी गेट बंद कर दो। मिट्टू भैया आए हैं ना, उनको देखा इतना तेज तेज लगा है चिल्लाने, अभी हम लोग को नहीं इतने अच्छे से पहचान रहा है, और भैया को और जो उनके घर से कोई भी आ रहा है एकदम तेज तेज से देख देख के लग रहा है चिल्लाने। मुझे पता है आप सभी देखेंगे बोलेंगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ। अंदर से हिम्मत कर रही हूँ कि नहीं, अब इनकी तबीयत खराब है तो मुझे ठीक रहना पड़ेगा, चाहे मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ। ये तो मना भी किए कि मत आना, लेकिन मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल हमारे एकदम पास में ही है, बहुत ही पुराने डॉक्टर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो बहुत पास में ही है, वहीं हम जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, स्कूटी से भी जाना नहीं पड़ता। चुका है, मैं आई थी मंदिर, इवनिंग क्या नाइट का टाइम हो चुका है, प्रसाद चढ़ाना था और दर्शन करना था। और मैंने आप लोगों से बोला था कि 2 डेज तक मेरी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन अभी तो 6 डेज हो चुके हैं इतने दिन बाद। मतलब कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा था ना, इनकी तबीयत ठीक चल नहीं रही थी तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। आज भी मैं श्योर नहीं थी कि वीडियो जाएगी या नहीं, फिर मैंने लोगों के कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि नहीं अब ज़्यादा दिन मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, तो जस्ट मैं अभी एडिट कर रही हूँ और वीडियो आज ही जाएगी। थर्ड डे और ये आ रहे हैं, मैंने पूरा अभी मैं हॉस्पिटल से मैं खुद भी आ रही हूँ, भैया के साथ ही आएंगे। पूरा मैंने घर अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन, मॉर्निंग से ही मैं लगी हुई थी कि एकदम अच्छे से घर साफ़ कर दूँ। बेडशीट वगैरह भी सारा चेंज किया है, वहाँ पे भी पूरा ये भी बेड लगाया है मैंने, ये एक मेरे पास गद्दा था तो मैंने इस पर लगा दिया, वो भी मेरा घर एकदम से चमक रहा है। 3 दिन से हॉस्पिटल आते हैं जाने की वजह से मतलब रूम सारा मेरा बिखरा हुआ था सुबह से ही, जब मैं वाशु को छोड़ गया 2 दिन तो वाशु स्कूल ही नहीं गया, फिर आज मैंने कहा नहीं आज मैं इसको लेकर के जाऊंगी कैसे भी, स्कूल से छोड़ के आई हूँ। उसके बाद फिर सुबह से ही क्लीनिंग में लगी हुई थी, 11 o'clock फ्री हुई हूँ, फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई हूँ इनका खाना वाना लेकर के, लेकिन खाए नहीं है, इनको फीवर चढ़ गया था बहुत तेज़ से। अभी डिस्चार्ज इनको मिल गया है तो ये भैया के साथ आएंगे, मैं आ गई पहले बोले जाओ तुम, क्योंकि वाशु को उसको हाँ उसके उसी बीच में हॉस्पिटल से फिर मैं गई हूँ वाशु को लेने के लिए, और धूप इतनी तेज है बहुत, मैं इसी स्कूटी से गई थी लेने के लिए। इनका फीवर मैंने सुना ना कि फीवर इतना तेज से फीवर हो गया मेरा एकदम, मैंने कहा कि अब आज मेरी हिम्मत
छूट जाएगी। अगर ठीक नहीं हुए तो आज ठीक होना है चाहे जैसे भी हुई है, क्योंकि अब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है इनको देख कर कि किसको अच्छा लगेगा। मैं चाह रही हूँ जल्द से जल्द ठीक हो के घर आए, तो थैंक गॉड कि डिस्चार्ज मिल गया। क्योंकि उस टाइम तो बोल रहे थे कि अभी देखते हैं देखते हैं, अब इससे ज़्यादा मत देखिए, ठीक कीजिए ताकि ये घर आ सके। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो अभी बेटर है और पास में ही हॉस्पिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ले जाके फिर से दिखा देंगे। अभी मेरा मोबाइल पर एकदम डिस्चार्ज हो गया, अब थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से शूट करूँगी। बोलती हूँ मैं बाद में, मैंने खाना भी नहीं खाया। कितना टाइम हो रहा है माशू, कितना टाइम हो रहा है? 1:26 हो रहा है, अब जा रही हूँ खाना खाने में। ये पूरा स्वेलिंग है, रेड रेड हो गया है, घर ये आ चुके हैं और ये दूसरे वाले हाथ में भी, इसमें भी लगा हुआ, इसमें भी स्वेलिंग है। आज 4 डेज हो गया घर आए हैं ये। घर पे आके कैसा लग रहा है? घर घर होता है, हॉस्पिटल में तो और बीमार लगने लगता है इंसान। मुझे यहाँ आराम मिल रहा है। तो पहले थोड़ा सा खा लीजिए, उसके बाद सही है। नहीं कह रहा तो कुछ नहीं खाया, सिर्फ दाल का पानी पिया, थोड़ा सा इतना सोस ला रही हूँ, खा लीजिए ठीक है। और डॉक्टर ने इनको अभी 5 डेज सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बोला है और कुछ भी नहीं। बाकी नारियल पानी वगैरह मंगा दूँगी मैं, जूस भी कोई और नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। नारियल पानी ले सकते हैं और सिर्फ खिचड़ी मूंग वाली और मूंग के दाल का पानी, बस यही सब। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इतने दिनों बाद मैंने व्लॉग फिर से स्टार्ट किया। मैं जा रही थी खाना बनाने तो मैंने कहा थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँ। और मिट्टू मेरी कॉपी कर रहा है, मुझे छींक आ रही थी तो दीदी अच्छी अच्छी मिट्टू कुछ तो बोलो, मिट्टू कुछ तो बोलो, सबको बोल के सुनाओ भाई क्या हुआ। कल ना मैंने 2 दिन बाद इसको नहलाया था। एक तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे इसको नहलाऊं, और डेली नहाता है ये। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे से पहले ऊपर से पानी डाला और हाथ अंदर डाल के इसके पिंजरे को हल्का हल्का साफ किया। आज नहीं नहलाया, मैंने कहा भी काट वाट ले तो। मिट्टू कहते नहीं, मिट्टू कहते नहीं, गंदी बात होती है, गंदी बात। काटने नहीं आते तुमको, ऐसे खिलाने का मन करता है ऐसे। अच्छा अच्छा इनको ना सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाना है। अच्छा पीछे काम है, डर गई, मैंने सोचा क्या आवाज कर रही। इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। मैं भी बहुत बेमन से खा रही हूँ। मैं सब्जी खा रही तो मुझे ये लग रहा है कि ये नहीं खा रहे, मैं अकेले खा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। लेकिन ये मुझे बोले कि नहीं तुम नहीं खाओगे तो तुम भी पड़ जाओगी, ऐसे भी तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, खाना पीना सही से करो। लेकिन नहीं हो पाता है ना, अब देख रही हूँ कि ये अब बहुत ज़्यादा ही वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब 4-5 दिन बाद थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम कम ऑयल में ये सब चीज़ों को लिखर के खाना खाएंगे, दाल चावल पूरा जो चीज़ होता है ये सब खाना खाएंगे 3-4 दिन बाद। मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी। सब्जी है लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं बनाऊँ, ये खा नहीं रहा। तो बस मैंने दीदी को बोला आलू कट कर दीजिए, देखिए ये वाला भी आलू कट कर दीजिए, डालना पड़ेगा। और प्याज ये कट करा दिया था मैंने, अभी कुकर में बस डालूंगी, बेमन से बनाऊँगी क्योंकि मुझे मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी बनाने का। मिलाती हूँ इनको आप लोगों से, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जीजू जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो देखिए अभी तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा है, अभी तो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो होप कि जल्दी ही ठीक हो जाए। अगर कुछ खिलाना पिलाना रहता तो भी ठीक रहता कि हाँ चलो फ्रूट्स खिला दिया और हेल्दी डाइट्स दे दिया तो फिर हेल्थ सही हो जाएगा जल्दी, बट ऐसा भी नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अगर फ्रूट्स वगैरह खाने होते, जूस पीना होता, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के जूस नहीं पी सकते हैं, किसी भी चीज़ का नहीं, सिर्फ नारियल पानी, तो भी ठीक रहता। वही मैं परेशान हो रही थी कि अगर कुछ खाना पीना रहता तो मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती डाइट वाली, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। आवाज़ मेरी पहले से ठीक है लेकिन थोड़ी मोटी हो गई ऐसे लग रहा है कभी कभी कि मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई और ही बोल रहा है। अभी मैंने इधर पे कपड़े भी फोल्ड करके रखे हुए, इसको सेट करना है। ऐसे तो कपड़ा ज़्यादा तो जैसे लग रहा था कितना ज़्यादा है, 2 बार भी मैंने वॉश किया था इसको मशीन में, फोल्ड कर देने पर लगता है कि कम है। मैं काम ही बैठ के कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि ज़्यादा मैं इनको बुलवा भी नहीं सकती। मेरी आदत है हमेशा ही बोलने की, ये सुनते हैं और या फिर मैं इनको चिल्लाती हूँ दूसरा काम मेरा ये है बोलिए बोलिए करके, लेकिन अभी तो ऐसा भी नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रहे ना। अभी तो इतना सारा मेडिसिन इंजेक्शन इतना सारा लगा, कम से कम 25 बॉटल लगे थे, तो अभी तो मैं
नहीं चाहती कि ज़्यादा बोले, नहीं तो इरिटेट होने लगता है इंसान। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, ये कुछ टाइम सो रहा है, फिर थोड़े टाइम टीवी देखे, ऐसे ही बस चल रहा है। आए हुए हैं नारियल पानी लेने के लिए, एक दो नहीं लेना था, थोड़ा ज़्यादा लेना था। टेक दिस, हमने कहा पैक करवा लेते हैं, इतना दूर आए हम ले रहे हैं क्योंकि अच्छे रेट में देते हैं, बाकी हम ले रहे थे तो 60-70 ऐसे में मिल रहा था, और अभी इनको भी 80 रुपये का, और यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिलता है, तो हमने कहा ज़्यादा ही ले लेंगे। अभी वाशु को लेके स्कूल से आई हूँ, धूप बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज। बॉन्डिंग में तो हम कार से गए थे, और इस टाइम मैं गई थी लेने मिट्टू जो है ना पैरेट हमारे, वो रात में अपने से खोल करके पूरा घूमा है, घूम करके जाके पिछड़े पे बैठा हुआ था, तो ब्लैंकेट लेके गए कि काटे ना, नहीं तो उसी से धीरे धीरे ऐसे करके उसको अंदर कर देंगे, लेकिन वो अपने आप से अंदर चला गया। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको अभी बाहर निकालने का। और आपकी तबीयत कैसी है, सब लोग जानना चाह रहे हैं। मेरी तबीयत पहले से बेटर है, अब बहुत ज़्यादा वीकनेस ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम ऐसी हालत हुई है ना कि मैं दिखा भी नहीं सकती आपको, बहुत पतले हो गए हैं। शेविंग नहीं कराया है इसलिए लग रहा है कि आँख वाँख एकदम धस गई है पूरी, सिर्फ खिचड़ी, इतने दिन से सिर्फ खिचड़ी खाना, अब इनका खाना देख करके मेरा मन नहीं करता है खाने का, ये भी डांटने लगते नहीं खाओ का, अभी देखिए मैंने खाना नहीं खाया, कह रहे जाओ खाओ, मैंने कहा मन नहीं, तो वैसा ही है अभी, तबीयत तो ठीक है लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अब जब थोड़ा अच्छे से प्रॉपर डाइट होगा तब जा करके सही होंगे। और ये वीडियो कितने दिन से चल रही है, ये वीडियो मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते से मेरी वीडियो ये चल रही है, लिटरली वहाँ पे जाके ऊपर बैठ गया, धक्का दिया, शीशा बंद करना, मैं काम करने वाले भैया लोग। तो ये वीडियो कितने दिन से चल रहा है, तो मैं इस वीडियो का वेट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जिन्होंने ब्लेसिंग दिया थैंक यू सो मच, मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं कुछ कुछ ब्लॉगिंग लाऊँ, देखते हैं जैसा भी होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय कर दीजिए आप लोग, बाय।